एस न्यूज। बलरामपुर जिले के राज परिवार के मुखिया राजा धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अंतिम शव यात्रा नीलबाग से निकलकर समूचे नगर में भ्रमण करते हुए राप्ती के तट पर स्थित राजघाट पहुंची। घाट पर उनकी अंत्येष्टि वैदिक रीति रिवाज से संपन्न की गई। शव यात्रा के गमगीन माहौल में बलरामपुर व आसपास के क्षेत्रों से शामिल होने आए हजारों दर्शनार्थियों के आंसू बहते भी नजर आए। इस मौके पर मौजूद श्रावस्ती के भाजपा सांसद दद्दन मिश्र ने बताया कि राजा धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर फूलों से सुसज्जित भव्य स्वर्ग रथ पर रखकर नीलबाग से निकलकर नगर भ्रमण के बाद सिटी पैलेस पहुंचा। सिटी पैलेस में भीगी पलकों के साथ उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। तत्पश्चात पार्थिव शरीर राजघाट ले जाया गया और राजघाट पर राज परिवार के पूर्वजों की अंत्येष्टि स्थल के समीप उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजा के देहावसान के बाद बलरामपुर के सभी वर्गों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इसकी वानगी के तौर पर बलरामपुर के बाजार और अधिकांश विद्यालय बंद रहे। राजा के पार्थिव शरीर के दर्शन करने वालों की भीड़ भी रही। साथ ही इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। गौरतलब है कि राजा धर्मेंद्र की बलरामपुर के बाशिंदों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा में अत्यधिक भागीदारी बने रहने के कारण लोगों में उनकी लोकप्रियता अतुलनीय रही। इसी वजह से राजा के देहांत पर प्रत्येक व्यक्ति शोक में डूबकर रो पड़ा। गौरतलब है कि रविवार को लखनऊ में राजा धर्मेंद्र की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उनका निधन हो गया था। एबीपीएस न्यूज के लिए बलरामपुर से शैलेंद्र बाबू की रिपोर्ट।